बादल साहब बीबा साहब का कहिंदे आ नन्नी शां, पर नन्नी शां हुण किन्नू नजर नहीं आ रही कि नन्नी शां की इज्जत एवें लुटते रहणगे वड्डे घराने वाले कि एवें इज्जतां नूं हथ पाउंदे रहणगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी बिलकुल नखेधी करती है, बहुत ज़्यादा निंदा करती है। जदों वोटां लैण आए फिर इन्हां नूं पुछांगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों फजिलका दे थाना सदर विच लगाया गया धरना, पंजाब पुलिस खिलाफ जम के कीती गई नारेबाजी। मामला फजिलका दे पिंड नवा हस्ता विखे लड़की दे नाल हुई छेड़छाड़ ते कारवाई ना करन दा है। इस धरने दौरान प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सुरिंदर सिंह ने दसिया कि पुलिस वालों राजनीतिक लोकां ते वड्डे घराणियां दे इशारियां ते गरीबां नूं कुचलिया जा रहा है। 6-6 महीनियां तो पुलिस कोल शिकायतां पेंडिंग हन, पर उन्हां ते कोई भी कारवाई नहीं कीती जा रही। इसे तरह दा मामला पिंड नवा हस्ता विखे सामने आया, जिस दी अज तो 6 महीने पहला थाना सदर विच शिकायत दर्ज करवाई गई सी, पर पुलिस वालों कोई भी तरह दी कारवाई नहीं कीती गई। आरोपी पुलिस को बैठ के चाह पी के जाते हैं, जिसके विरोध विच धरना प्रदर्शन किया गया। मसला नहीं है इन्हों का, कुछ मिनटों का है। वेखो जी दरखास्त पेंडिंग बहुत पड़िया ने, साड़ी तो लड़ाई आर पार की लड़ाई है। असी तो दिल्ली नूं कूच करन वाले हैं, आर्डीनेंस रद्द कराने के चक्कर में, पर इन्हां दे जिहड़े धीआं भैणां वाले मसले ने, चाहे गरीबां दे ने, 6-6 महीनियां तो दरखास्त रुल रहीआं ने। जिन्हां का कसूर है वह आ के इन्हां तो चाह पी जांदे आ, ते जिहड़े विचारे इल्जाम लाउंदे आ मतलब कसूरवार है ये उन्हूं दाबे लाउंदे आ। साडे कोल आईडीओ SI दी भी है, वह कहिंदा मेरे हत्थ बन्ने होए ने, परचा बनदा, परचा मैनू उत्तों आर्डर आ जाए तो मैं परचा कर देना। मिनट नहीं लाउंदा, 5 मिनट नहीं लाउंदा। जे इन्होंने ना किया संघर्ष अच्छी आपका इदो ज़्यादा तेज करा। मामला की है कि मामले की तुम गल कर? मामले तो बहुत ज़्यादा ने, पर एक जरा गंभीर मामला है, एक धी भैन न छेड़छाड़ का मामला। कुछ दिन पहला पेंड है जी हस्ते कला, हस्ते कला नवा हस्ता कौन बंदे ने जेडे? वेखो जी बंदे असी ने इन्हों ना दे दिता, ये सब जानते हैं, DSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, SSP ਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? ਸਾਡਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ SSP ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। SSP ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਰੋਕੀਏ, ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ
इल्जाम लाने वाली लड़की तो वो मदर हाजिर से उन्होंने इनू कहा भी तेनों कहा तू पिंड नहीं वड़ना, जिस कारण इन्हों का बोल बुलारा जरूर होया पर लड़की नूं छेड़न बारे कोई गल सामने नहीं आई जी। जिस की पड़ताल ASI हरबंस सिंह वालों मौका तक भेज के की गई है, मेरे वालों भी दो पार्टियां सद के पड़ताल की गई है पर लड़की नूं छेड़न बारे कोई गल सामने नहीं आई। फिर भी असी दोनों पार्टियां दे बयान लिख के मानयोग SSP साहब नूं भेज के DA लीगल तो राय हासिल करने लई भेजे हुए आ, उस संबंधी जो भी DA लीगल साहब राय देणगे उहदे मुताबक जिहड़ी अगली कार्रवाई कीती जाऊगी। सर धरने लैके की कहोगे भी जो धरना लग्या है जो पिछले काफ़ी देर तो लग्या है जी, इन लैके कहोगे? धरना देखो जी असं इन्होंने विश्वास दवाया कि DA लीगल साहब तो राय आने बाद जो भी कोई नतीजा होंदा है जिस धारा के तहत परचा देना बनता उसे देवे, पर मैं इन्हों काफ़ी बार समझा चुका भी ये पिंडा विच पार्टीबाजी क्रिएट कर रहे, लड़ाई झगड़े आम होंगे ने पर यह बाहरले बंदे जाके पार्टीबाजी करके एक दूजी पार्टी को उकसा के पार्टीबाजी क्रिएट कर रहे, पर मैं इन्हों बेनती करना भी ये कम ना कर पिंडा दे विच शांति बने। सर उन्होंने यह भी कहना है भी इस मसले बारे थोड़े को आए उन्होंने वीडियो भी दिखाई जिन्हें उन्हें हफ्ते डांगा डूंगा फड़े हैं जिसे मारकुट कर आ रहे थे पर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने रुकिए। देखो जी हाथों से डांगा फड़ के ललकारे मारने या गाली गलोच करना कानून मुताबक असी 57 करवा सकते हैं कि उन्होंने लड़ाई झगड़े नाके अगे तो कोई ना कर, फिर भी जे किसी की कोई सर्टिफिकेट लगी है वो दाखिल होकर सू आप MLR भेज सकता वो मुताबिक कार्रवाई की। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।